हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आदित्य और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आदित्य व्लॉग्स में। सो गाइज, फाइनली कल 22 सितंबर 2021 को मैंने अपना फर्स्ट डोज ले लिया है कोविड शील्ड का, जो कि वैक्सीनेशन है कोविड की। और आज है 23 सितंबर 2021, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल पूरी रात मेरी तबीयत कैसी रही आफ्टर वैक्सीनेशन, क्या क्या मेरे बदलाव आए, क्या मुझे बुखार आया नहीं आया, क्या मेरे को बॉडी पेन हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मैं इस वाले ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, कल की वीडियो जिस जिसने भी मेरी देखी है उन्हें पता होगा कि मैं कल वैक्सीनेशन के लिए गया था, और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मैं घर आया, और घर जाने के बाद मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में मेरे साथ क्या रहा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइस, कल ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने नॉर्मली जैसे रोज़ मैं काम करता हूं ऑफिस में, मैंने ऐसे ही काम करा, मुझे कोई ऐसा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा लंच मैंने थोड़ा सा लाइट लिया, ज़्यादा मैंने हैवी लंच नहीं लिया। बाकी उसके अलावा मैंने जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करता हूं ऐसे मैंने नॉर्मल काम करा, शाम को घर आया, ऐसा कुछ डिफरेंस मेरे को महसूस हुआ नहीं। घर आके मैंने अपने कल का ब्लॉग एडिट करा, उसको पोस्ट करना था कल का, वो ब्लॉग पोस्ट करा। रात को आराम से खाना खाया। हाँ, खाना खाने के बाद मैंने दवाई ले ली थी, जो मेरे को सेंटर जहाँ पर मैं कोविड सेंटर गया था वहाँ सेंटर से मेरे को दवाई दी गई थी एक, वो मैंने दवाई ले ली थी, आई थिंक पैरासीटामोल समथिंग थी, वो मैंने दवाई ले ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे फीवर हो सकता है या कोई पेन वगैरह हो सकता है बॉडी में, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ही वो दवाई ले ली थी। दवाई लेने के बाद फिर मैं अपना बेड पे आराम से बैठ के अपनी वीडियोस वगैरह थोड़ी बहुत देखी, और फिर मैंने अपना सोने की कोशिश करी, पर भाई साहब सोया तो मेरे से गया नहीं फिर रात को, क्योंकि अराउंड 11-11:30 बजे के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बट बार बार मेरी आँख खुल रही थी, और लेफ्ट जिसमें लेफ्ट वाले शोल्डर में जिसमें मेरे को वैक्सीनेशन लगी थी उस वाले शोल्डर में भाई साहब जो दर्द होना शुरू हुआ ना रात को, क्योंकि जिस पोजीशन में लगता था उसी पोजीशन में वो अकड़ने लग गया। फिर उसके बाद फीवर तो नहीं आ रहा था, फीवर मेरे को आया है सुबह आई थिंक 4:30-4:30 के करीब मेरे को काफ़ी तेज़ फीवर आ गया, और पूरी बॉडी पेन होने लग गई, पैर वैर सब पेन होने लग गए। फिर उसके बाद मैंने सुबह उठ के दोबारा एक डोज ले ली, फिर सुबह जब मैंने एक और डोज ली, जो मेरे पास दो डोज मेरे को वहाँ से मिली थी, एक और डोज जो मैंने सुबह दोबारा ली, फिर उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में मैसेज डाल दिया कि भाई साहब आज मैं नहीं आ सकता, रियली सॉरी, मेरे को ऐसे फीवर और बॉडी पेन हो रहा है। और वहाँ से उनका जो जवाब आया, खैर वो तो बात की बात है कि क्या उनका जवाब आया, मैं ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इंसान ऐसे भी मतलब कर सकता है जिसके लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, खुद घर बैठे हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद का जो मेरा डिसीजन था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन लगाने के वजह से मेरी लाइफ में 23 सितंबर 2021 में क्या उथल पुथल हुई है भाई साहब, बहुत तगड़ी। खैर ये तो रही ऑफिस की बात, बैक टू द मुद्दा। मुद्दा फिर ऐसे था कि सेकंड डोज लेने के बाद फिर मैंने मैसेज वगैरह डालने के बाद फिर कहीं जाके मेरे को नींद आई, क्योंकि पूरी रात मेरे को नींद आई नहीं, मैं सोता था आधे घंटे बाद नींद खुल जाती थी, मतलब एक ऐसा फील हो रहा था कि आपको नींद आ रही है पर आप कुछ ज़्यादा ही इतने थके थके से हैं कि आप सो ही नहीं पा रहे हैं। मैं रात को सो ही नहीं पाया, फिर उसके बाद सुबह जाके जब सेकेंड डोज ली उसके बाद कहीं जाके मैं सोया, फिर 10 बजे के करीब मैं उठा, मेरे ऑफिस से ही फ़ोन आया था उस वजह से मेरे को उठना पड़ गया। फिर उसके बाद उठने के बाद फिर अराउंड 10:30-11 बजे मैं नहाया, फिर मेरे को फीवर तो नहीं आया, जब से अब तक मेरे को फीवर नहीं आया, और हाँ बॉडी पेन हो रहा है, नीचे वाले लोअर पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन है, इस वाले हाथ में पेन है, ऐसे कर लिया हाथ तो फिर ऐसे ही है, अगर उसको सीधा करेंगे तो दर्द है, आई थिंक ये दर्द है जो ना वो शायद मेरे को आज ही रहेगा, कल तो मेरे को लगता नहीं कि होगा, अगर होगा भी तो बहुत माइनर सा होगा। तो भाई साहब 100 बातों की एक बात, अगर कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन लेनी ही पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि वैक्सीनेशन ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हमें एक इम्यूनिटी बूस्टर मिलेगा जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करेगा। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली है अभी तक तो प्लीज़ घर से उठिए, वैक्सीनेशन बुक करिए,
और सेंटर जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो सपोर्ट कीजिए, और आपको पता है सपोर्ट कैसे करते हैं। और आपने अगर इससे मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि मैंने कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, सेकेंड में मैंने अपना रिएक्शन दिया है कि मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था मेरे वीडियो के ऊपर, और थर्ड मैंने बनाया था जो मैंने वैक्सीनेशन ली है, जो कि मैंने कल डाली थी वीडियो। तीनों वीडियोस देख लीजिए, आपको मेरे बारे में बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी आशा करता हूँ फिर कभी मिलेंगे किसी और दिन किसी नई वीडियो में, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो।